हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब घर पर बहुत अच्छे से और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ सुमन माहेश्वरी फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, मैम आज आपको कराने वाली है श्रुतलेख। क्या करवाएंगी? श्रुतलेख। क्या आप जानते हैं श्रुतलेख क्या होते हैं? तो बच्चों, श्रुतलेख वे जिन्हें सुनकर लिखा जाता है। श्रुतलेख किसे कहते हैं? जिन्हें सुनकर लिखा जाता है। तो मैम आपको व्यंजनों का अभ्यास तो पहले ही करवा चुकी है, तो आज हम उन्हीं व्यंजनों से संबंधित श्रुतलेख करेंगे। मैम आपको बोलेंगी और आपको उन्हें बिना देखे लिखना है। ओके, सो गेट रेडी, टेक आउट योर हिंदी वर्कबुक 1 एंड ओपन पेज नंबर 141 और सबसे ऊपर दिनांक और कक्षा कार्य लिखेंगे। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं श्रुतलेख। तो मैम आपको व्यंजन बोल रही है, आपको पहला व्यंजन लिखना है, व्यंजन प। क्या लिखेंगे आप? व्यंजन प, प से पतंग। तो कैसे लिखेंगी? पेंसिल को इस बिंदु पर रखते हुए लिखेंगी। सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचेंगे, इसको दूसरी लाइन के थोड़ा नीचे लाके फिर आधा चंद्रमा बनाएंगे लाइक दिस, और इस आधा चंद्रमा से मिलाते हुए आप खींचेंगे सीधी रेखा और ऊपर बना देंगे आड़ी रेखा। तो ये क्या बन गया? व्यंजन प। अब आपको दूसरा श्रुतलेख लिखना है, म। व्यंजन म, म से मछली। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचेंगे लाइक दिस, फिर यहां से पेंसिल को घुमाते हुए एक छोटा सा गोला बनाते हुए और आड़ी रेखा खींचेंगे, स्लिपिंग लाइन। अब इस आड़ी रेखा से मिलाते हुए आप खींचेंगे सीधी रेखा, तो ये बन गया म। ओके, अब आपको अगला श्रुतलेख लिखना है, ब। क्या लिखेंगे आप? ब, ब से बतख, ब। ओके, तो कैसे बनाएंगे ब? सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचेंगे लाइक दिस, अब पेंसिल को सीधी रेखा से मिलाते हुए पेंसिल को दाईं ओर घुमाते हुए आप आधा गोला बनाते हुए सीधी रेखा से मिला देंगे लाइक दिस। ओके, अब बीच में बना देंगे आप एक तिरछी रेखा, तो ये बन गया व्यंजन ब। ओके, अब अगला श्रुतलेख है फ। व्यंजन फ, फ से फल। तो सबसे पहले वही सीधी रेखा खींचेंगे स्टैंडिंग लाइन, फिर इसके पास में एक और छोटी सी सीधी रेखा खींच के उसको दूसरी लाइन के नीचे लाएंगे, फिर आधा चंद्रमा बनाते हुए इसको ऊपर की ओर ले जाके बाहर निकालेंगे और धीरे धीरे हाथ को नीचे की ओर मूव करेंगे, तो ये बन गया व्यंजन फ। ओके, अब अगला श्रुतलेख आपको लिखना है यहाँ पर व्यंजन र। क्या लिखेंगे? र। तो पेंसिल को इस बिंदु पर रखते हुए सबसे पहले बाईं ओर पेंसिल को घुमाते हुए आधा गोला बनाएंगे लाइक दिस, और इस आधे गोले से मिलाते हुए आपको तिरछी रेखा खींचनी है, तो ये क्या बन गया? व्यंजन र। अब अगला श्रुतलेख आप लिखेंगे व्यंजन व। क्या लिखेंगे अब अगला? व। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सीधी रेखा खींचेंगे स्टैंडिंग लाइन, आप इस सीधी रेखा से मिलाते हुए पेंसिल को दाईं ओर घुमाते हुए आधा गोला बनाते हुए इसको सीधी रेखा से मिला देंगे, तो ये बन गया व्यंजन व। अब अगला श्रुतलेख आपको लिखना है ल। ल से लड्डू। ओके, तो सबसे पहले सीधी रेखा खींचेंगे, इस सीधी रेखा से मिलाते हुए आपको तिरछी रेखा खींचनी है, अब इस तिरछी रेखा से मिलाते हुए आपको पेंसिल को पहले थोड़ा सा ऊपर की ओर ले जाते हुए धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे की ओर लाते हुए तीसरी लाइन से मिलाना है लाइक दिस,
तो ये बन गया व्यंजन ल। अब अगला श्रुत लेख आपको लिखना है व्यंजन स। कौन सा लिखेंगे? स। तो सबसे पहले पेंसिल को इस बिंदु पर रखते हुए पेंसिल को दाईं ओर घुमाते हुए आधा गोला बनाएंगे लाइक दिस। अब इस आधे गोले से मिलाते हुए आप एक तिरछी रेखा खींचेंगे। ये आपने व्यंजन र बनाया तब भी किया था आपने ये, ओके। अब बीच में बना देंगे आड़ी रेखा, स्लिपिंग लाइन। अब इस आड़ी रेखा से मिलाते हुए आप खींचेंगे सीधी रेखा, तो ये बन गया व्यंजन स। अब अगला श्रुत लेख आपको लिखना है व्यंजन भ। ध्यान से सुनेंगे और अच्छे से लिखेंगे। व्यंजन भ कैसे बनाएंगे? पेंसिल को इस बिंदु पर रखते हुए पहले एक छोटा सा गोला बनाते हुए बिल्कुल सीधी रेखा लाएंगे, उसको थोड़ा सा दूसरी लाइन के नीचे लेके आएंगे लाइक दिस। अब फिर से पेंसिल को ऊपर की ओर घुमाते हुए छोटा सा गोला बनाते हुए आड़ी रेखा खींचेंगे। इस आड़ी रेखा से मिलाते हुए आप सीधी रेखा खींचेंगे, ओके। अब इस व्यंजन के ऊपर जो आपको आड़ी रेखा बनानी है वो आप जो ये सीधी रेखा बनी हुई है बस इसके ऊपर खींचेंगे लाइक दिस। तो ये बन गया व्यंजन भ। अब आपको आखिरी श्रुत लेख लिखना है व्यंजन श। क्या लिखेंगे? व्यंजन श कैसे बनाएंगे? पेंसिल को इस बिंदु पर रखते हुए पहले छोटा सा गोला बनाते हुए पेंसिल को बाईं ओर घुमाते हुए आधा गोला बनाएंगे और इस आधे गोले से मिलाते हुए तिरछी रेखा खींचेंगे, ओके। और अब इसके पास में बना देंगे एक सीधी रेखा, तो ये बन गया व्यंजन श। तो किड्स, आपको अपनी हिंदी वर्कबुक 1 के पेज नंबर 141 पर इन श्रुत लेख को लिखने का अभ्यास करना है, और ये तो मैम आपको पहले भी सिखा चुकी है, ओके। तो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल राइटिंग में लिखना है, ओके बच्चों। थैंक यू, हैव अ गुड डे।